बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी शिवदीप तलांडे को कौन नहीं जानता है। बिहार में सिटी एसपी थे और उनके कारनामे सभी जानते हैं, अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। मुजफ्फरपुर में डीआईजी रैंक बनकर गए हैं शिवदीप तलांडे और क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ी बैठक की है, यानी शिवदीप तलांडे पहले ही दिन एक्शन में दिखे। देखिए, कई आईएएस ऑफिसरों को प्रतिनियुक्ति मिली है जिसके बाद पदभार ग्रहण किए हैं। वही शिवदीप तलांडे मुजफ्फरपुर पहुँचे और अपने पदभार को ग्रहण किया और क्राइम कंट्रोल को लेकर भी बैठक की। आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं, शिवदीप तलांडे पहुँचे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद क्राइम कंट्रोल की सबसे पहले बैठक हुई है, समीक्षा बैठक की गई है, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। शिवदीप तलांडे क्या कुछ करें जरा सुनिए। पुलिस महानिरीक्षक के पद का पदभार ग्रहण किया है अभी, और जो ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे सबसे मुलाकात हुई है और अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है यहाँ से काम करने का। अब देखते आने वाले समय में क्या चैलेंजेस है, वो तो पता ही चलेगा समय के साथ। क्या प्राथमिकताएं होगी सर? अभी तो फिलहाल मैं ज्वाइन किया है, स्पेशली देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्राइम का पैटर्न, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा क्राइम पे रहा है, तो क्राइम का पैटर्न क्या है, क्राइम के हॉटस्पॉट्स क्या है। सिर्फ एक जिला तक ही सीमित नहीं है, ज्यूरिडिक्शन के अंडर में हाजीपुर भी आता है, सीतामढ़ी भी आता है, शिवहर भी आता है, मुजफ्फरपुर तो है ही। तो क्राइम का पैटर्न क्या है, बाद में क्रिमिनल्स का बिहेवियरल पैटर्न क्या है यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि जहाँ से मैं काम करके हूँ वहाँ पे भी एक नई इमर्जिंग जो लड़के थे उनके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का और उसका एक पैटर्न दिखने में आ रहा था, वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो क्रिमिनल का प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ पे, वो भी देखना पड़ेगा कि प्रीवियस हिस्ट्री वाले क्रिमिनल जो कि ऑर्गेनाइज, क्योंकि यहाँ का ऑर्गेनाइज क्राइम का एक इतिहास रहा है उससे संबंधित है क्या, उसका भी एक एनालिसिस होगा। तो प्राइमरी फेस यही है कि पहले तो हम एनालिसिस करेंगे इसका, एनालिसिस करने के बाद मेरे चारों जिला के एसपी के साथ डिस्कशन करेंगे, और अभी मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश के साथ डिस्कशन हुआ ही है। तो एक प्राइमरी जो ब्रीफ आया उससे लगता है कि यहाँ पे जो अपराध नियंत्रित है और एसएसपी अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसपी जो है, पुलिस अधीक्षक एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को ही स्ट्रेंथन करने का मेरा यहाँ पे भूमिका रहेगी। जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ गाइडेंस के तौर पे मैं रहूँगा, लेकिन जो लीडरशिप है, लीडरशिप यहाँ के चारों जिला के एसपी के अंतर्गत ही, जो भी पुलिसिंग होगी उनके अंतर्गत होगी।